हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको नॉर्थ इंडिया का एक मशहूर स्ट्रीट फूड आलू टिक्की चाट बना के दिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट पता चलेगा जिससे बाजार जैसा आलू टिक्की आप घर पे बना सकते हैं। तो चलिए मैंने बेटा मिलके बनाते हैं आलू टिक्की चाट। इसके लिए हम सबसे पहले बॉयल्ड आलू को अच्छे से ग्रेट करके इस तरह से डालेंगे। आलू को ठंडा होना चाहिए। अब इसमें हम चिवड़े को सोक करके रखे थे हमने, उसको डालेंगे और हल्के हाथों से इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बॉल में हम धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा सा नमक लेंगे और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना के हमें रख देना है, जिसका यूज हम बाद में करने वाले हैं। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम होने पे उसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे। अब इसमें जाएगा कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए अदरक, थोड़ा सा भून लेंगे इसे हम। इसमें डालेंगे हम रोस्टेड सेसमे सीड, अच्छे से मिला लेंगे। चना दाल जिसको मैंने उबाल के रखा था हल्दी और नमक के साथ, उसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे हमारा जो मसाला हमने तैयार रखा था उसे, करीबन 2 चम्मच। अब सभी मसालों के साथ चने दाल को अच्छे से मिला लेंगे। ऊपर से डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिला के अब हम इसे ठंडा होने के लिए अलग से रख देंगे, हमारी फिलिंग बनेगी। अब जो हमने रेस्ट करने के लिए आलू रखे थे उसको लेंगे, इसमें डालेंगे राइस फ्लावर। एक सीक्रेट टिप है, अब इसे अच्छे से हल्के हाथ से मिला लेना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से अब हम गूंद लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से गूंद के हमें रख लेना है। अब हाथों को ग्रीस कर लीजिए, छोटे छोटे लोई बनाइए और बीच से शैलो करते हुए इस तरह से किनारों को पतला और बीच का हिस्सा मोटा रखिए और फिलिंग को थोड़ा सा बीच में डाल के टिक्की को बंद करते हुए हमें अच्छे से बनाना है। देखिए इस तरह से हमारी टिक्की तैयार होगी। अच्छे से दबा दबा के हमें टिक्की रेडी करनी है। ये देखिए इस तरह से बनी, एक एक करके सारी टिक्की हम बना लेंगे। ये देखिए हमारी सारी टिक्कियां अब रेडी है। अब इसे हमें शैलो फ्राई करना है। कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल हमें उतना लेना है जिसमें टिक्की हमारी एक तिहाई डूबे। ये देखिए इतनी डूबनी चाहिए। एक एक करे सारी टिक्की हम डालेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें टिक्कियों को पकाना है। हल्के से इसको पलटना है ताकि टूटे ना। देखिए कलर में किस तरह से चेंजेस आ रहा है। आराम से इसको पलटना है ताकि ना टूटे। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, एकदम क्रिस्प हो चुका है ये। अब हम इसे निकाल लेंगे अलग से। टिक्कियां हमारी रेडी है। दोस्तों चलिए अब इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। एक प्लेट में जिसमें आपको सर्व करना है उसमें आप टिक्कियों को रखें और हरी चटनी और लाल चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक अलग तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। टिक्कियों को फोड़िए, उसमें दही डालिए, थोड़ा सा हरी चटनी, थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़ा सा जो मसाला बना के रखा था वो, और थोड़ा सा कटा धनिया डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।